जी सर। सर मेरा नाम अजीत सिंह है जी, मैं ऑटो चालक हूँ। मैं यहाँ पे आज हम यहाँ पे सभी ऑटो वाले इकट्ठे हुए हैं, हमें कुछ परेशानियाँ हैं, जो परेशानियाँ हम बताने आए हैं अपने बुजुर्ग को, अपने भाई, अपने जो है बड़े अफसर को, अपने माए बाप भी हमारे ये ट्रैफिक के जो एस पी है, डीजी साहब है, डी आई जी है, ये हमारे माए बाप है, ये हमारे बच्चे जो है गरीब जो है तंग हो रहे हैं, इनके घर में आज खाने के लिए नहीं है और हमें हरासमेंट किया जा रहा है। वजह क्या है? वजह कुछ नहीं है, मीटर की वजह है, बल्दी भी है, बल्दी डाली हुई है, अपना खराबर चल रहे हैं, मीटर का रेट तो गवर्नमेंट ने देना, वो हमें फाइट चल रही है हमारी। अब उससे हमें नजायज परेशान ना किया जाए, जब हमारा मीटर रेट मिलेगा हम मीटर पे चलेंगे और मीटर में हम ऑलरेडी चल रहे हैं। आप ये बताइए, पहले पुराने मीटर इन्होंने बंद कर दिए लगातार एजेंसियों के कारण, अब नवे मीटर लगाए हैं, कल को और बोले नवा मीटर लगा लो, 500 आएगा करीब आदमी, 3500 रुपए का मीटर आ रहा है जनाब। अब ये बताइए 6 महीने में 3 महीने में ये मीटर चेंज करा देते हैं। वजह एक मीटर पास हुआ, मैनुअल मीटर पास हुआ था तो गाड़ी ने कंपनी ने पास किया, अच्छा बड़ा चल रहा था, ये मीटर खराब हो जाए तो बंद पड़ जाता है, इसका कौन जिम्मेवार है जनाब? इलेक्ट्रिक है हमारे जो चलान हो रहे हैं, हमें इससे ये नहीं है कि चलान वाजिब हो, नाजायज ना हो, जो हमें जो रेट मिला है रेट हमें कुछ नहीं है, 33 रुपए का 2 किलोमीटर दिया है, ये पता है जम्मू में जो आपकी हालत क्या है, कितना काम है जम्मू में, ये आपको सबको मालूम है, गवर्नमेंट को मालूम है, जो गवर्नमेंट हमें जो रेट देती है दिल्ली बम्बे और ये बेंगलोर से कंपेयर करके देती है, वहाँ पे सीएनजी है और 24 आवर काम है, यहाँ पे काम नहीं है, वन साइड सवारी है, हमारा कैसे जीना होगा, कैसे हम चलेंगे? हर यहाँ पे जो लोकल जम्मू वासी है वही हमें बचा रहा है, वो हमारी शक्ल दे के वो हमें दे जाता है, हमारा घर चलता है, बाकी हमें ये नहीं, लोग हमें जम्मू के साथ दे रहे हैं, बाकी टूरिस्ट यहाँ पे नहीं है, हर आदमी के पास अपनी कन्वेंस है, यहाँ पे मेटाडोर चल रही है, स्कूटियां चल रही हैं, अपने कन्वेंस है लोगों के पास, हमारे पास क्या है? एक ऑटो है वो लोकल आता है, वही हमें पैसा दे जाता है 4 महीने दे के, उसमें भी हमारा चलान हो जाता है, चलान कोर्ट का चलान 500 रुपए का चलान, 1000 रुपए का जुर्माना, हम कहाँ जाएंगे? हम चाहते हैं कि अगर ये नहीं चलान तो हमारा ये मीटर उतार रहे हैं, हमें सवारी के हिसाब से दे, 5 रुपए सवारी दे, हम सवारी ले लेंगे, तो बर्दी डालने का हमें क्या बेनिफिट है? जब बर्दी पे आपने चलान ही कर रहा है, हमें हरासमेंट ही कर रहे हैं, तो ये हमें ये बर्दी उतार दें, आप हमें एक रेट दे दीजिए, 5 रुपए सवारी दे दीजिए, 10 रुपए हम बैठा लेंगे चलेंगे, उसमें क्या आता है? तो नहीं देना है तो हमें ये ऑटो वाले बुला ले, एक जिला माली का काम दे दे हमें, शाम को पेमेंट दे दे, हम चले जाएंगे घर में, हमें कोई बात वो नहीं होगी, कोई हरासमेंट नहीं होगी। सर जी, सर जी, सर मेरा नाम सर संजय सेठी है, मैं भी एक ऑटो यूनियन का एक छोटा सा मेंबर हूँ। सर हमारी इतनी तकलीफें हैं कि हम आपको क्या बताएं, कि हमें देखो ये ट्रैफिक वाले, क्योंकि वो उनकी ड्यूटी है हमें चेकिंग करना, चलो हम उनकी ड्यूटी को मानते हैं, और ये हमें ये समझ नहीं आ रही कि ये फाइनेंस कार्ड वाले और ये खाकी वर्दी वाले पुलिस वाले हमें क्यों हरासमेंट कर रहे हैं। सर हम आपके माध्यम से ये बताना चाहते हैं कि हमारा जो गवर्नमेंट ने हमें जो रेट दिया है 33 रुपए, हम चाहते हैं कि हमें ये 33 रुपए, ये 33 रुपए जो रेट है, आप किसी भी सूरत के आप इसको कैलकुलेशन करके देख लीजिए, हमें कहीं भी हमें ये सूटेबल नहीं करता है। हमने गवर्नमेंट से, हमने 3 साल पहले भी हमने हमारी मीटिंग हुई थी ITS वजीर साहब से और साहब ने हमारे बैस साहब से हमारी ये डिस्कशन हो चुकी है कि हमें सर हमें सही हमें रेट दीजिए, हमारा हम मैं संजय सेठी और हमारे हरदेव बरदान जी ने हमें, इन्होंने हमको शेयर किया था हमने उनको कि हम सर हम मीटर डाउन करके चलेंगे और आपको एक भी शिकायत का मौका नहीं देंगे, पर भी उसके बावजूद हमें अभी रेट नहीं मिला है और हम काफी हरासमेंट हो रहे हैं। तो कृपा करके हम सर आपके माध्यम से ये बताना चाहते हैं SSP साहब को, IG साहब को, जो भी ट्रैफिक डिपार्टमेंट के हैं, सर कम से कम आप जो जब चेकिंग करते हो उनके आप डॉक्यूमेंट देखो, अगर डॉक्यूमेंट्स नहीं है आप उनके चलान कर सकते हो, हमारी तरफ से कोई किसी को ऑब्जेक्शन नहीं होगा। अगर मीटर डाउन करके वो चल रहे हैं, यूनिफॉर्म पहन के चल रहे हैं, उसके बाद हमारे ट्रैफिक वाले, पुलिस वाले और अप्लायंस कार्ड वाले हमें हरासमेंट कर रहे हैं, हम ये हमारे बर्दाश्त से बाहर हो गए, ये हमें बंद होनी चाहिए। और एक बात और, दूसरी बात ये है कि पब्लिक से भी हम ये हमें अनुरोध है, पब्लिक से भी हम कहते हैं कि आप शिकायत तो बहुत जल्दी कर देते हो, कम से कम शिकायत करने से पहले आप पढ़े लिखे हो, हमारी तरह अनपढ़ नहीं हो, हम ऑटो वाले गवार हैं, नहीं है पढ़े लिखे, कुछ लोग होंगे जो पढ़े लिखे होंगे, बेचारे नौकरी नहीं मिल रही है और वो ऑटो चला रहे हैं मजबूरी की वजह से। हम अपने ये पैसेंजर से भी हम हाथ जोड़ के विनती करते हैं, सभी हमारे सभी भाइयों की तरफ से मैं आपको आगे हाथ जोड़ता हूँ कि पैसेंजर से भी रिक्वेस्ट है कि कम से कम अगर आपके साथ किसी ने कोई बदतमीजी की है या मतलब कि ड्राइवर ने अगर आपसे फालतू पैसा लिया है तो आप उसको गाड़ी का नंबर नोट करो, उसकी शिकायत करो, एक गलती करता है उसकी वजह से पूरा ऑटो वाला, पूरा जम्मू का ऑटो वाला हरासमेंट होता है, ये गलत बात है, हम ये हमारी ये बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। और ये हमारी तरफ से ये मतलब कि हमारे प्रधान जी और हमारे जितने भी आपके साथ अभी डिस्कशन हुई है उनकी तरफ से यही अनुरोध है कि कृपा करके हमारा ध्यान रखें, बस शुक्रिया।